स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम स्ले पॉइंट का वीडियो देखने जा रहे हैं, मोस्ट सेविज स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही फनी वीडियो होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। वो माँ जो हमेशा टीवी का रिमोट पापा के एयर बैग्स के नीचे छुपा देती थी, वही माँ बोर्ड के रिजल्ट आते ही टीवी के तरफ आंखें खींच तान के, टीवी देख देख टॉपरों को कितने खुश है वो। खुश तो नहीं है, हंस भी दो, मम्मी नहीं मारेगी। अरे अंकल उसे चबाने तो दो, हमारे घर क्या बना है, जा खुद जाके देख ले। बुफे बेल्ट कढ़ाई चप्पल मैं अपने हाथों से खिलाऊं, चबाने का टाइम भी दूंगी। ऐसे ही हमें चप्पल खाते खाते टॉपर्स को मिठाई खाते हुए देखना पड़ता है। इधर टॉपर बर्फी को बस झूठा करके छोड़ दे रही है और हम फालतू स्टूडेंट यहाँ पूरे टाइम, मम्मी चपाती देना है, मुझे रुमाली रोटी खानी है, एक पूरी और देना, शुगर देना थोड़ी। पर आजकल इंटरव्यू सिर्फ टॉपर्स का ही नहीं, हर नल्ले, टीचर बोलेगी बोलो जुबा केसरी, क्लास के टिफिन चोर, मुंह में पान मसाला, टीचर पे चौक मारने वाले, बैक बेंच पे जुआ खेलने वाले, सबका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। नासा नासा ये जो नशा करता है, जो सिगरेट पीता उसी को नशा करता है, सिगरेट पीता उसी को नशा करता है। हाँ, चांद पे पेग लगाने जाते हैं ना वो। तो टॉपर्स और नल्लू के इंटरव्यू सुन के कंपेयर करते कि फायदा किस में ज्यादा है, टॉप करने में या फीस बर्बाद करने में। एक डायलॉग जो हमें बचपन से रटा चुके हैं, टॉप कर लो फिर खुशी खुशी, पर कहा है, एक गांव है जीवाना, गलती से टॉप कर लिया क्या, जब टॉप तो कर लिया पर अब रिश्तेदारों के बधाई कॉल उठाने पड़ेंगे। प्रिंस जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। प्रिंस कुमार के पास तो प्रिंस पटेल जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, सुंदर लाश है क्या, जब टॉप आपने किया हो पर बंदियां सारी बैक बेंचर ले गए। अरे कोई तो पार्टी करता हो, कैसे पार्टी करने वाले, नहीं पार्टी का तो अभी नहीं सोचा है। मैं तो टॉप किया है क्यों, पार्टी तो है सारी मोटिवेशन, और उधर हमारे नॉन टॉपर्स, नंबर कितना आ जाएगा, नंबर 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे, 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे, हाँ मात्र 10 नंबर सबको मिठाई खिलाएंगे। ये मेरा भाई, फेल होके भी पार्टी, रसगुल्ला या तो मार्कशीट पे मिलेंगे या दोस्तों के मुंह में, लोग खुशियां तक नहीं बांट रहे, निराशा बांट रहा है। 10 नंबर आएगा तो सबको मिठाई खिलाएंगे। आप फेल हो चुके हो, सिर्फ 10 नंबर आए हैं। अरे आप पेड़ा खाओ, मैं सबको मिठाई खिलाएंगे। इसको अगर गलती से 100 नंबर आ गए, ये मिठाई बांट बांट कर वर्ल्ड हंगर ही मिटा देगा। पर इतनी छोटी खुशियों में भी पार्टी करने के लिए, ये पॉइंट डेफिनेटली जाता है फीस बर्बाद करने को। और जैसे टॉपर्स वैसे माँ बाप, बेटे को 500 में से 499 आए, फिर भी इट वॉज बैक ऑफ माई माइंड दैट ही कैन डू बेटर। और क्या, नोबेल प्राइज जीत के लाए, इलॉन मस्क मार्कशीट पे चुम्मी मार के दे, क्या चाहिए क्या, ही कैन डू बेटर। ये मेरे पापा होते ना तो मेरा रिपोर्ट कार्ड लेके पिछवाड़ा पोंछते टॉयलेट पेपर जैसे। यहाँ बेटी ने टॉप किया है नेशनल टीवी पे, प्राउड मोमेंट। और मम्मी गाजियाबाद की लड़की, वेलकम हंसिका हमारे न्यूज चैनल में, जिसका नाम है HCN। टॉप वॉप तो ठीक है, पर ये पत्ता गोभी पे महा छूट फिर थोड़ी मिलेगी। कैंडी क्रश का 625 लेवल अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट। पे मैम आपसे भी बोलूंगी कि आज की डेट पे बच्चे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से। बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है कि हर रिश्तेदार को रिजल्ट फॉरवर्ड करने में लगी है आंटी। अब माँ बाप ही भावना दे टॉप करने के बाद तो फायदा क्या है। सो आप क्या सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती, अंधी है क्या? ऐसे ही न्यूज एंकर वो सवाल करते हैं जिनका जवाब उन्हें पहले से ही पता है। कैसा लग रहा है आपको प्रज्ञा टॉप करके? बहुत बुरा लग रहा है, मातम छाया हुआ है। ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा ना। मयंक पहले आपसे बात करेंगी, क्या खाते हो? अबे नॉर्मल खाना ही खाएंगे ना, टॉपर है तो क्या हुआ। क्या खाते हो? प्रोट्रैक्टर के पकौड़े, सल्फ्यूरिक एसिड का रायता, दांत में कुछ फंसा है, टूथपिक। क्या खिलाते हैं आप ऐसे बच्चों को जो 500 में से 500 ले आते हैं? फिलहाल आप दिमाग खा रही हैं, और जब आपने टॉप किया हो पर आपका जेलस पड़ोसी ही न्यूज एंकर बन जाए। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी बीपीएससी वही क्लियर करता है जो पागल होता है, करता है जो पागल होता है।
इससे लगा टीवी पे इज्जत बढ़ेगी, यहाँ पागलपन का आरोप लग गया। क्लियर करता है जो पागल होता है। पापा सबको कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ मेरा बेटा आज सब न्यूज पे आने वाला है। हाँ वो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, केबल काट लो, गलती से भी मत देखना, पागल होता है। टॉपर्स बेइज्जती सह लेते हैं, पर गुंडे स्टूडेंट्स बेइज्जती सुन के नहीं लेते। क्या पेपर में लिख के आए, लव लेटर नहीं लिख के आ गए? आपको चाहिए तो बोलिए, ऐसे तो हम आंसर लिख के आए। पोयम सुनाइए अपने बुक का। क्यों सुनाए, हमको याद ही नहीं है। टू का टेबल सुनाओ। क्यों सुनाए, हमको याद ही नहीं है। क्या सुनाओगे? क्यों सुनाए, हमको याद ही नहीं है। और टॉपर्स सारे होते हैं सिंगल। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। और उधर हमारे नॉन टॉपर्स गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? सीधी बात, नो बकवास। ये बात लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट, लोग को लड़कियां खाली छोड़े तब तो पढ़े भाई। पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? सो बिजी यार विद गर्ल्स। गर्लफ्रेंड रुक जाए, एग्जाम तो हमेशा होते रहता है, गर्लफ्रेंड रुक जाएगी तो वापस नहीं आएगी। क्या लॉजिक भाई, बंदीबाजी का न्यूटन है एकदम। देखो एग्जाम तो बर्थडे की तरह हर साल आना ही है, और गर्लफ्रेंड इज लाइक वर्ल्ड कप, चार साल में मुश्किल से एक वो भी हारना ही है। गर्लफ्रेंड रुक जाएगी तो वापस नहीं आएगी। लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है इसे पता है भाई। पढ़ के आए थे या फिर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करके आए? दोनों करके आए थे, तीन से छह चैटिंग किए उससे पहले पढ़े थे। रात को तीन से छह पक्का बंदी है या कोई कस्टमर सर्विस वाले के साथ लगे पड़े हो? आपको खाने में क्या पसंद है बेबी? सर ये स्विगी हेल्पलाइन है, आपको करना है ऑर्डर, क्या चाहिए? आपका वक्त। हेलो, तीन से छह चैटिंग किए पर एटलीस्ट ये लोग सिंगल नहीं है तो। अब कुछ बुरे टीचर्स या तो सर खाते हैं या फोकट की फीस खाते हैं, पर इधर टीचर खाई नहीं खाता है क्लास में, मेरे सामने खाता है तो लगाता है पूरा। मना नहीं करेंगे, मना करेंगे तो हम लोग को भी खिलाएगा, हम लोग को भी खिलाएगा। हमारे क्लास में टॉकिंग की पनिशमेंट थी बाहर खड़े होना, यहाँ मुँह में खैनी ठूस ठूस के बच्चों को चुप कराया जा रहा है। फिंगर ऑन योर लिप्स नहीं, तंबाकू ऑन योर लिप्स। सर नोट्स की जगह क्लास में विमल बांट रहे हैं यार। यहाँ मॉनिटर को डस्टर लाने नहीं, टीचर भेज रहे हैं कि जा वॉचमैन से दो पैकेट गुटका मांग के ला। मम्मी टिफिन मत दो, सर क्लास में खिला देते, हम लोग को भी खिलाएगा। टीचर खाई नहीं खाता है क्लास में। स्टूडेंट सिंग द स्कूल एंथम। टीचर्स बेचारे बच्चों को फ्री में खिला तो रहे हैं सो। और टॉपर्स को सिर्फ शेक्सपियर की पोएट्री याद है, पर इन्हें आती है असली प्यार की पोएट्री। रोज आर रेड, वॉयलेट आर ब्लू। चलिए बोलिए। आई एम थिंकिंग ऑफ यू विथ माय हैंड। विथ माय हैंड। किसी को समझ नहीं आया लेकिन सब चिल्ला दियो। कुछ तो बोला माइक पे। आई एम थिंकिंग ऑफ यू विथ माई हैंड। एंड फ्रॉम इंग्लिश क्लास यू आर बैंड। हाथ से सोचते हो तो क्या सर से धोते हो? विथ माई हैंड। एंकर भी सोच रहा है इससे तो नहीं मिलाएंगे हाथ अभी। बायोलॉजी ऐसी चीजें है, बायोलॉजी ऐसी चीजें है ना। क्या पहले मेरा गर्लफ्रेंड का बहुत याद आता है, मेरी मुस्कान जान, आई लव यू, जहाँ भी हो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बायोलॉजी ऐसी चीजें है। कौन से चैप्टर से इतनी याद आ रही है? फोटोसिंथेसिस। अबे पौधा है क्या मुस्कान? मुस्कान जान, आई लव यू। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ मुस्कान, उसकी हड्डियाँ, उसका ब्लैडर अंदर से भी खूबसूरत। बायोलॉजी ऐसी चीजें है। उसको एग्जाम में भी आया ना कि ड्रॉ फोर चेम्बर्स ऑफ हार्ट, तो ये बनाएगा। मुस्कान जान, आई लव यू। ओनली वन चेम्बर फॉर माय वन एंड ओनली मुस्कान। जब रिजल्ट आएगा तो वो मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों भाग जाएंगी। पर सस्ते आशिकी दिखाने के लिए तो पॉइंट यार, पॉइंट मिलता है। और टॉपर्स कभी चीटिंग वीटिंग की बातें नहीं करते, पर नल्ले स्टूडेंट्स एकदम दिल से ओपन। चीटिंग हो रहा था? अच्छा, चीटिंग अच्छे से चल, बहुत अच्छे से हो रहा। चीटिंग बहुत हुआ ना, हम सीधा सदा लौंडा है। चमकीली स्माइल दी है ना, और ये 50 का हनी सिंह हेयर कट, छाती जांगे सब जगह घजनी जैसे नोट्स लिख रखे हैं इसने। हम सीधा सदा लौंडा है। इसकी पैंट की जिप खोलोगे ना चिट्स गिरेंगे। स्माइल में दिख रहा है कि इन पॉकेट्स का सही यूज यह कर पा रहा है भाई। और टॉपर्स के भाई पुराने गोल्स होते हैं लाइफ में, पर इनके अलग। रॉबरी करेंगे। रॉबरी मतलब बैंक में डाका डाल देंगे। बच्चा डाका डालेंगे। करियर को लेके क्लैरिटी देखो, ये होता है असली पैशन फॉलो करना। रॉबरी करेंगे। इसकी ड्रीम कार है व्हाइट स्कॉर्पियो और ड्रीम होम तिहाड़ जेल। बैंक में डाका डाल देंगे। पापा ने बस बोला अखबार में नाम ले आना, कैसे वो तो बताया नहीं, बस मेरा बैंक मत लूटना प्लीज। करियर को लेके क्लैरिटी के लिए
पॉइंट और फॉर्मूला याद करके तो सब टॉपर आंसर निकाल लेते हैं, पर असली जीनियस ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? हमको नहीं पता, इसे पूछिए। हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देते हैं, हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देते हैं। हम देखते हैं ना, वो स्क्रिप्टेड होते हैं या फन वे में बच्चे बोलते हैं, इन रियलिटी आपको भैया पढ़ाई लिखाई करोगे तभी कुछ बन पाओगे। और अगर आप कोई स्पोर्ट पर्टिकुलर खेलते हो, कोई और भी फील्ड में आप काम करते हो, तो उसको साइड बाय साइड साथ लेके जाओ, क्योंकि पढ़ाई आपका हमेशा वो चीज है कि एजुकेशन से बड़ा वेपन आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि 499 आउट ऑफ 500 है उसको बेटर, दैट डजंट मेक सेंस। भैया हमारा पुत्र तो बोलता है जो आ गया दिस इज माय बेस्ट। अगर ट्रूली कोई भी इंसान बोलता है कि मेरा बेस्ट है, then that should be fine. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही मजेदार थी और इनकी कमेंट्री के साथ तो देखने में बहुत ही मजा आया। और जो वो स्टूडेंट्स थे टॉपर्स, वो तो सभी के सभी सैड ही लग रहे थे, और जो उनके पेरेंट्स थे कई सारे एक दो नंबर से भी उनके कमाए थे तो वो भी खुश नहीं थे, और टॉपर्स भी जो इंटरव्यू दे रहे थे उनके चेहरे पे भी कोई खुशी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये इंटरव्यू लेने वाले भी उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं। और जो सैवेज वाले हैं, जो फीस बर्बाद करने वाले, वो तो अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत।